सामने एक बड़ा सा रेड बटन है। दोस्तों तो कैसे हो आप सभी लोग, उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे, मैं भी अच्छा हूँ। तो गाइस बीजीएमआई के अंदर फाइनली वीक 4 भी आज ओपन हो चुका है और मैंने वीक 3 एक्सप्लेन कर दिया है, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो इस वीडियो के बाद जाके देख लेना। अभी मैं वीक 4 एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो गाइस यार यहाँ पे चलते हैं वीक 4 के सबसे पहले वाले मिशन पे, जिसमें लिखा है पिकअप कंपनसेटर इन 5 मैचेस इन क्लासिक मोड। तो गाइस यार कंपनसेटर आपको पता होगा AR, SMG, स्नाइपर तीनों का आता है, तो आपको AR का दिखा दूं तो आप लोग यहां पे देख सकते हो कि जो इस चीज़ पे मैं हाथ रख रहा हूं, तो ये जो चीज़ है ये होता है कंपनसेटर और ये AR का होता है। इसी तरीके से स्नाइपर का भी कंपनसेटर आता है, जो कि आप लोग यहां पे देख सकते हो कि यहां पे काइनेटिक सब में नहीं लगता, लेकिन कुछ कुछ जो गने होती है उनमें लगता है, जैसे ये देख सकते हो ये स्नाइपर का कंपनसेटर है। तो इसी तरीके से सारी SMG में भी आता है कंपनसेटर, तो आपको इसी को पिकअप करना है। सिर्फ कितने मैचेस में, आइए देख लेते हैं। 5 मैचेस में आपको पिकअप करना है कंपनसेटर को, और जैसे पिकअप कर लोगे, अगर तीनों कंपनसेटर एक ही मैच में करोगे तो हो सकता है कि आपका 3 काउंट हो जाएगा। तो इस तरीके से आप लोग ये वाला मिशन जल्दी जल्दी कंप्लीट कर पाओगे, तो आराम से भी कंप्लीट हो जाएगा, कोई जल्दी नहीं है। एंड इसके बाद चलते अपने अगले वाले मिशन पे, जिसमें लिखा फिनिश 1 एनिमी विद इन 60 सेकंड ऑफ लैंडिंग इन क्लासिक मोड। तो गाइस यार यहाँ पे कहा जा रहा है कि आप लोग को एक बंदे को मारना है, वो भी जब आप लैंडिंग करे हुए 1 मिनट के अंदर में। अब गाइस देखो, पहले मुश्किल होता था ये मिशन कंप्लीट करना, लेकिन यार आजकल इतना ईजी है क्योंकि हम उतरते हैं इवेंट पे, और जैसे इवेंट पे उतरते ही हम लोग के सामने इतने सारे बंदे होते हैं। चलो कभी एक हम मर गए, लेकिन बाई चांस ऐसा आज इस इवेंट पे ऐसा नहीं होता कि आपको गन ना मिले, तो आप लोग 1 मिनट के अंदर में 1 किल का आप 5 किल भी कर सकते ईजिली, तो आराम से इसको भी कम्प्लीट हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। एंड इसके बाद चलते अपने अगले वाले मिशन पे, जिसमें लिखा है पिकअप स्पॉन्स हेलमेट लेवल 3-2 टाइम इन क्लासिक मोड। तो गाइस सर यहाँ पे कहा जाए, जो लेवल 3 का हेलमेट होता है उसको आपको पिकअप करना है 2 बार। देखो ये आप ड्रॉप से भी ले सकते हो, लूटते रहोगे तो तब भी मिल जाता है, एंड अगर आप लोग शॉप से परचेज कर लोगे तब भी काउंट हो जाएगा। तो इस तरीके से आप लोग ये बहुत आसानी से ये वाला कंप्लीट कर सकते हो मिशन। एंड इसके बाद चलते अपने अगले वाले मिशन पे, जिसमें लिखा है रिपीटेबल वीक 4 ओनली स्पेंड 100 मिनट इन मैचेस। तो गाइस सर आप लोग को क्लासिक मोड के अंदर में 100 मिनट स्पेंड करना है, और जैसे ही कर लोगे तो आप लोग को 60 एपी पॉइंट मिल जाएगा। और आपको बता दूं कि ये अभी वीक 3 का काउंट होगा, वीक 4 का काउंट भी नहीं होगा, तो आप लोग को बस नॉर्मल गेम खेलना है। एंड इसके बाद चलते अपने अगले वाले मिशन पे, जिसमें लिखा है फ्रेंड बूस्ट का होता है, ये मैं समझा दूँ। देखो अगर आपने डुओ या स्क्वाड में कोई बंदा लिया, वो बंदा आपका फ्रेंड होता है, उसने भी A2 रॉयल पास लिया होता है आपकी तरह, तो अगर वो बंदा ये वाला मिशन आपके साथ कंप्लीट करता है खुद के लिए, तो साथ ही साथ आपका भी कंप्लीट हो जाएगा। अगर आप करोगे तो उसका भी कंप्लीट हो जाएगा, तो इस तरीके से अगर आप दोनों करोगे तो दोनों के जल्दी कंप्लीट हो जाएगा। मिशन में लिखा हुआ है फिनिश 10 एनिमीज विद SMG इन रंगल इन क्लासिक मोड। तो गाइस सर आप लोग को 10 किल करना SMG गन भी, लाइक आपको बता दो UMP, UC, विक्टर, थॉमसन, बाइजन और MP5, P92, तो ये सारी जो गन है सब SMG में आती है, तो आप लोग को इनसे आप लोग को 10 किल करना है, वो भी एरेंगल मैप के अंदर। अगर आप लिविक खेलते हो तो उसमें काउंट नहीं होगा, अगर आप एरेंगल खेलोगे किसी भी जगह पे करो, इवेंट पे करो या किसी भी जगह पे करोगे, आप लोग का ये वाला मिशन कंप्लीट हो जाएगा 10 किल करने के बाद। एंड इसके बाद चलते हैं अपने अगले वाले मिशन पे, जिसमें लिखा है फ्रेंड बोनस। आइए मैं आपको समझा दूँ कि फ्रेंड बोनस क्या होता है। जैसे कि आपने डुओ या स्क्वाड में कोई बंदा लिया, वो बंदा भी आपकी तरह रॉयल पास लिया होता है, अगर वो बंदा आपका फ्रेंड होता है और ये जो मिशन है अगर आपके साथ कंप्लीट कर लेता है, तो बोनस में आपको 30 RP पॉइंट मिलेगा, अदरवाइज आपको मिशन खुद ही कंप्लीट करना होगा। चन में लिखा हुआ है फिनिश 3 टाइम इन द टॉप 3 इन क्लासिक मोड विद फ्रेंड। तो गाइस सर यहाँ पे कहा जा रहा है कि आप लोग को 3 टाइम ऐसे टॉप 3 में आना जब आपके फ्रेंड आपके साथ हों। तो यार इजी है यार, इतना भी मुश्किल नहीं होता आज के टाइम पे, इतना हम लोग समझते हैं कि भाई ब्लोबी ज़्यादा अच्छी आती है, लेकिन आप लोग आसानी से टॉप 3 आ जाओगे। अगर आप स्क्वाड खोलोगे तो कोई ना कोई फ्रेंड तो जिंदा ज़रूर रहेगा, तो आप लोग आसानी से आ जाओगे टॉप 3 के अंदर। एंड इसके बाद चलते हैं अपने अगले वाले मिशन पे, जिसमें लिखा है टीम बूस्ट क्या होता है। आइए मैं आपको समझा दूँ। जैसे कि आपने स्क्वाड लगाया, स्क्वाड के जो बंदे हैं वो आपके फ्रेंड होते हैं एंड एक दूसरे के फ्रेंड होते हैं,
तो अगर कोई भी बंदा एक ये वाला मिशन कंप्लीट करता है, जो तीन मेंबर स्क्वाड के और है उनको अलग से कंप्लीट करने की जरूरत नहीं है, एक बंदा कर लेगा सभी का काउंट हो जाएगा। मिशन में लिखा हुआ है एलिमिनेट प्लेयर विद द पेन टू टाइम विद टीममेट इन क्लासिक मोड। सिंपली सा आप लोग को दो बंदे को पेन से एलिमिनेट करना है। आप लोग किसी बंदे को नॉक करके फिनिश कर दोगे तो भी काउंट हो जाएगा। वो बंदे कहते हैं भाई नहीं नॉक करना होगा, भाई देखो अगर बंदा अच्छा हुआ तो 1v4 कर जाएगा, इससे अच्छा है कि आप नॉक करके पेन से फिनिश कर दोगे ना तो भी काउंट हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरीके से, और आपको क्लासिक मोड में करना है ना कि टीडे में जाके करने लगना। तो इस तरीके से आपको दो किल करते आपका ये वाला मिशन भी कम्प्लीट हो जाएगा। तो चलते अपने अगले वाले मिशन पे जिसमें लिखा है कम्प्लीट एट मैचेस इन एनी मोड। कोई सभी मोड खेलना है, क्लासिक खेलते हो, टीडीएम खेलते हो, सभी काउंट होंगे यहाँ पे। और जैसे आप लोग 8 मैचेस खेल लोगे आपका मिशन भी कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद चलते हैं अपने अगले वाले मिशन पे जिसमें लिखा है फिनिश मोर देन 14 प्लेयर इन अ सिंगल मैच इन अरीना। तो गाइस सर यहाँ पे कहा जा रहा है कि आप लोग को 14 किल एक ही अरीना मोड के अंदर में करना है। ऐसे नहीं कि आप दो मैच में लगा के करते 14 किल, ऐसा काउंट नहीं होगा। आपको एक ही मैच में 14 किल करना है। अगर आपसे नहीं होता तो आप लोग डोमिनेशन लगा सकते हो, एडमिट कर सकते हो, जिसमें आपके ज़्यादा चांसेस ज़्यादा हैं। लेकिन आपको अगर डोमिनेशन खेलोगे उसमें चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं 14 किल करने के, तो आप लोग आराम से कर सकते हो। एंड इसके बाद चलते हैं अपने अगले मिशन पे जिसमें लिखा है वीक 4 ओनली लॉग इन इनटू द गेम ऑन अ टोटल ऑफ 3 डेज। तो गाइस सर यहाँ पे कहा जा रहा है कि आप लोग को 3 दिन लगातार गेम लॉग इन करना है। ऐसे आपको बता दो कि ये अभी वीक 3 का काउंट होगा, वीक 4 का काउंट नहीं होगा। अगर आपको कंप्लीट करना है तो वाउच ये जो कार्ड है उसको लगा के कंप्लीट कर सकते हो। एंड इसके बाद चलते अपने अगले मिशन पे जिसमें लिखा फिनिश 1 एनिमी विद पिस्टल इन एनी मोड। तो गाइस सर पिस्टल से आप लोग को एक बंदे को फिनिश करना है, चाहे आप क्लासिक में कर लो चाहे आप इसको टीडीएम में कर लो, तो आपकी मर्जी है किस में करना चाहो। मैं तो ये कहता हूँ भाई टीडीएम में कर लेना, ये तो आप क्लासिक में खेलते रहो पिस्टल लेके चलो, जैसे कोई नॉक बंदा दिखे फिनिश कर देना। इसके बाद चलते हैं अपने अगले वाले मिशन पे जिसमें लिखा है गिफ्ट और गिफ्ट बैक बीपी टू थ्री डिफरेंट फ्रेंड। ओके बहुत आसान कर दिए मिशन कि आप लोग को गिफ्ट और गिफ्ट बैक करना है। कैसे करना, देखो आप लोग इसको दो तरीके से कंप्लीट कर सकते हो। पहला तो ये कि आप किसी फ्रेंड पे क्लिक करो, देन आपको यहाँ पे एक बीपी वाला ऑप्शन आएगा, इस पर क्लिक कर देना। अगर आप उसके साथ सिनर्जी तो आप उसको एजी करेंसी सेंड कर सकते हो। अगर आप लोग ये चाहो तो आप लोग यहाँ पे मेल में आना एंड फ्रेंड पे क्लिक करना, रिडीम क्लेम ऑल कर दोगे तो आपका ये भी काउंट हो जाएगा। इन दो तरीकों से आप लोग ये वाला मिशन बहुत ईजिली कम्प्लीट कर सकते हो। एंड ये सब चलते अपने लास्ट मिशन पे जिसमें लिखा है डिस्ट्रॉय 2 व्हीकल टायर्स इन क्लासिक मोड। तो गाइस सर आप लोग को 2 गाड़ियों के टायर को डिस्ट्रॉय करना है। तो यार बहुत सारे बंदे गाड़ियाँ डिस्ट्रॉय कर देते हैं टायर भूल गए, लेकिन आप लोग ऐसा मत करा करो। आप लोग टायर पहले डिस्ट्रॉय कर दिया करो, उसके बाद आपकी मर्जी हो तो आप गाड़ियाँ डिस्ट्रॉय कर दो, वो आपके ऊपर है। जैसे 2 व्हीकल टायर्स के आप डिस्ट्रॉय कर दोगे आपका जीवन मिशन भी कम्प्लीट हो जाएगा। तो गाइस सर यही थे वीक 4 के सारे मिशन, बहुत ईजी मिशन आ रहे हैं। मैं होप करूंगा कि एकदम हार्ड मिशन है ताकि और मज़ा आए कंप्लीट करने में। तो चलो गाइस यही था आज की इस वीडियो में, आई होप आप लोग को वीडियो पसंद आई हो। तो अगर वीडियो पसंद है तो लाइक कर देना, एंड अगर ऐसे वीक से रिलेटेड वीडियो को देखते रहना है तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। चलो गाइस अपना ख्याल रखना यार, लव यू ऑल।